हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने घर में हरे भरे सुंदर सुंदर पौधे लगाएं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो घर के लिए शुभ नहीं होते हैं और जो हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट करते हैं, और कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमारे घर की निगेटिव एनर्जी को नष्ट करते हैं। आइए जानते हैं कौन सा पेड़ हमारे घर के लिए शुभ होता है और कौन सा अशुभ। तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हर तरह से शुभ माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। इसकी नित्य नियम से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर के आंगन के बीचों बीच लगाएं या तो फिर उत्तर पूर्व दिशा मतलब ईशान कोण में लगाना चाहिए। ईशान कोण में तुलसी का पौधा वास्तु शास्त्र के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे को छूना या फिर उसकी पूजा करना अच्छा नहीं माना जाता है। सफेद आंक का वृक्ष। सफेद आंक का वृक्ष भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। सोमवार के दिन सफेद आंक के पुष्प को शहद में डुबोकर भगवान शंकर को चढ़ाने से उनका आशीर्वाद तथा मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सफेद आंक की जड़ पर गणेश भगवान का वास होता है। बुधवार के दिन सफेद आंख की जड़ से गणेश भगवान की प्रतिमा बनवा कर पूजा अर्चना करने से रिद्धि सिद्धि आपके घर में वास करती है। बेल का वृक्ष। ये बात तो शायद ही किसी को पता ना हो कि बेल का वृक्ष भगवान शंकर को कितना प्रिय है। भगवान शंकर को बेल पत्र के साथ साथ बेल का फल भी चढ़ाया जाता है। बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे शंकर भगवान ने स्वयं अपने हाथों से लगाया था। केले का वृक्ष। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। केले के साथ तुलसी का पौधा लगाने से घर में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। केले के वृक्ष को कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। इसे घर के अगल बगल की जगह पर या फिर घर के पीछे की जगह पर लगाना चाहिए। कहा भी जाता है आगे बेल पीछे केला फिर देखो किस्मत का खेला। शमी का पौधा। शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पौधे का संबंध शनि देव से माना जाता है। शमी के वृक्ष के नीचे नित्य नियम से सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। आंवले का पेड़। आंवले के पेड़ घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु आंवले के पेड़ के जड़ में वास करते हैं। मान्यता है कि जिस घर में उत्तर दिशा में आंवले का वृक्ष लगा होता है उस घर में सुख समृद्धि धन दान की कोई कमी नहीं होती है। अशोक का पेड़। इसका तो अर्थ ही है शोक का ना होना। इससे घर में रहने वाले सदस्यों का आपस में प्रेम बढ़ता है। सभी मांगलिक एवं शुभ कार्यों में अशोक के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अशोक की जड़ को गले में धारण करने से सभी प्रकार के शोकों का नाश होता है। मनी प्लांट। घर में मनी प्लांट लगाने से सुख समृद्धि आती है। जैसा कि इसका भी नाम मनी प्लांट है, इस पौधे को लगाने से धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। इसे घर के ईशान कोण दिशा में लगाना चाहिए। ईशान कोण मतलब उत्तर और दक्षिण के कोने की जगह होती है। मनी प्लांट को ईशान कोण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।